एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी ने एक कॉन्टेस्ट डिक्लेयर किया। उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि जो भी पेंटर पीस को डिपिक करने वाली वर्ल्ड की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको $10 मिलियन का इनाम मिलेगा। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया से हजारों पेंटर्स ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन हजारों पेंटिंग्स में से जो इस कॉन्टेस्ट के जजेस थे उन्होंने फाइनली 100 पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया। उसमें उन पेंटर्स को तो इनवाइट किया ही किया, साथ में मीडिया वाले भी बैठे हुए थे और हजारों लोगों की भीड़ भी जमा थी। क्योंकि प्राइज अमाउंट इतना बड़ा था तो सब लोगों का इंटरेस्ट था ये जानने में कि कौन जीतेगा, कि वो पेंटिंग कैसी होगी और कौन वो पेंटर होगा जिसको इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। फाइनली वो दिन आ ही गया। वहां पर सारी ही पेंटिंग्स देखने लायक थी और एक से बढ़कर एक थी। उनमें से कुछ पेंटिंग्स थी जिस पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। जैसे एक पेंटिंग थी जहां पर एक साफ पानी की नदी बह रही थी, जिसके पीछे कुछ पहाड़ थे, उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी और पीछे से सनराइज हो रहा था। एक और पेंटिंग थी जहां पर पेंटर ने पीस को डिपिक्ट किया था फुल मून नाइट के थ्रू, यानी कि पीसफुल लेक थी जिसका पानी बिल्कुल स्टिल था, इतना स्टिल कि उसके ऊपर आप रिफ्लेक्शन देख सकते थे आसपास में जो भी था उसका, बिल्कुल एक मिरर की तरह। बिल्कुल डार्क आसमान में कुछ तारे चमक रहे थे और एक चांद चमक रहा था। उसके अलावा एक पेंटिंग थी जिसमें बिल्कुल सफेद बादल थे, नीला आसमान था और बिल्कुल हरी हरी घास थी, यानी कि सारी ही पेंटिंग्स ऐसी जिसको देख करके ही मन शांत हो जाए। तो कॉन्टेस्ट बहुत ही टफ था क्योंकि सारी पेंटिंग्स एक से बढ़कर एक थी और जजेस के लिए शॉर्टलिस्ट करना कि कौन सी पेंटिंग बेस्ट है, दैट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन वो मोमेंट आ ही गया जब जजेस ने अपना माइंड मेकअप कर लिया और एक पेंटिंग को उन सारी पेंटिंग्स में से सेलेक्ट कर लिया और उस पेंटिंग को एक बड़े से कर्टन के पीछे रख दिया। सामने वो सारे पेंटर्स बैठे हुए थे, मीडिया वाले और हजारों लोगों की भीड़ थी। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटा और सामने से जब सबने उस पेंटिंग को देखा तो सब हैरान रह गए। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि जो पेंटिंग वहां पर दिख रही थी वो दूर दूर तक शांति को डिपिक्ट नहीं कर रही थी। तो सबको लगा कि आर्ट गैलरी से कुछ गलती हुई है या जजेस से कुछ गलती हुई है और किसी गलत पेंटिंग को वहां पर रख दिया है। तो कुछ पेंटर्स वहां गए और आर्ट गैलरी के ओनर से पूछा कि क्या ये कोई गलती है, कहीं गलती से आपने कोई गलत पेंटिंग तो यहां पर नहीं रख दी है। आर्ट गैलरी वाला थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि नहीं, ये पेंटिंग बिल्कुल ठीक है, जजेस ने इसी पेंटिंग को सेलेक्ट किया है और यही पेंटिंग आज की विनर है। सारे पेंटर्स ये जवाब सुनकर के गुस्से से भर गए और सब ने मिलकर रिवोल्ट कर दिया। और ये देख करके सभी मीडिया वाले अपनी जगह से उठ करके खड़े हुए और भाग करके उस आर्ट गैलरी के ओनर के पास पहुंचे और अपने अपने माइक्स उनके मुंह के आगे कर दिए। अगेन वो आर्ट गैलरी का ओनर थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा कि मुझसे कुछ पूछने से पहले एक बार आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, थोड़ा पास से देखो, शायद आपको कुछ ऐसा नजर आए जो आपको दूर से नजर ना आया हो। क्योंकि आप सबने एक चीज तो देख ली कि इस पेंटिंग में आंधी है, तूफान है, चारों तरफ सब कुछ तहस नहस हो रहा है, आसमान में बिजली कड़क रही है, काले बादल हैं, ये सब तो आपने देख लिया। लेकिन एक चीज नहीं देखी कि पेंटिंग में एक घर भी है और उसमें एक छोटी सी खिड़की है जहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है। ध्यान से जाकर के देखिए, वो जो आदमी खड़ा है और बाहर देख रहा है उस घर से, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है बल्कि एक हल्की सी मुस्कान है, ठहराव है, सुकून है। और यही है शांति का असली मतलब। यानी कि शांति का मतलब ये नहीं है कि हमारे बाहर सब कुछ शांत है इसीलिए हम शांत हैं। असली शांति का मतलब ये है कि हमारे बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, हमारा मन शांत है। क्योंकि जिसका मन शांत नहीं है, उसको चाहे आप कितनी भी सुंदर से सुंदर जगह ले जाकर बिठा दो, वो वहां पर जाकर के भी दुखी ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिसका मन शांत है, उसके बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, मौसम चाहे कैसा भी हो, चाहे उसके आसपास सब कुछ तहस नहस हो रहा हो, तूफान हो, लेकिन वो अंदर से शांत रहेगा। और यही है शांति का असली मतलब।